और इसी बीच बड़ी खबर आ रही राजधानी रायपुर से, जहां हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायक सीएम के साथ रायपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पहुंचे और रवानगी से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सारे विधायक हमारे साथ है। बीजेपी के जीतने वाले सवाल पर कहा कि बीजेपी वाले ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायक सीएम भूपेश बघेल के साथ रायपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सारे विधायक हमारे साथ हैं, बीजेपी जीत के ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जा रहे हैं चंडीगढ़, बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे, आंकड़े पूरे हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी की जीत होगी। देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फायदा ये होगा एमएसपी जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि में वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपये बढ़ा है, हालांकि किमों में जीरा है जिसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। इससे वो सब अपने साथ हैं। और आप ये सब विधायकों के चंडीगढ़ जा रहे हैं, जितने जाएंगे अब देखते जाइए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो पार्टी तय करेगी। सर, बीजेपी के नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके जीत, तो क्या यह माना जाए कि उनकी सेटिंग हो चुकी, इसलिए वो कह रहे हैं? ये उनका ख्याली पुलाव है, आंकड़े उनके पास है ही नहीं। थैंक यू।